हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि है अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होती है, किस तरह से प्रोटेक्ट करती है हमारे डिवाइसेस को, पर्संस को, हमारी सराउंडिंग में यानी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह और चीजों को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उससे आग लग सकती है, तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे किस तरह अर्थ वायर हमें बचाती है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास एक सिंपल सा एक सर्किट है, ये एसी सोर्स यानी जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के साथ आगे फिर हमने यहाँ पर एक फ्यूज लगाया हुआ है, तो फ्यूज से लेट्स सपोज यहाँ से ये हाई पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ से करंट फ्लो करता है इस सर्किट के अंदर, यहां से घूम के वापस आता है, सर्किट कंप्लीट होता है। ओके, जब करंट इसमें से फ्लो कर रहा होता है तो इस मशीन, जैसे कि हमारी ये मशीन है और इसके अलावा और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, ओवन है, बेशुमार डिवाइसेस हैं, किचन के अंदर आप यूज करते हैं, घर के अंदर आप यूज करते हैं, जिनका मेटल केज होता है यानी ये जो कवर है, ये जो आपको नजर आ रही है बॉडी, वो मेटल की बनी होती है, तो इस तरह की जितनी भी डिवाइसेज है वहां पे अक्सर आपको शॉक लगा भी होगा, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट लगता है आपको। बाज का बहुत ज्यादा डेंजरस करंट होता है, बाज का थोड़ा सा होता है, तो उसको हम किस तरह से उसको अवॉइड कर सकते हैं कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो। ओके, तो होता यह है कि जब कभी आप फ्यूज लगा के, फ्यूज आपने सर्किट में लगाया होगा, आप मशीन को यूज कर रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, तो होता यूं है कि आपको कपड़े धोते हुए या कभी काम करते हुए किचन में या किसी डिवाइस को जिसमें से करंट फ्लो करता है, केटल, इलेक्ट्रिक केटल है, उसको यूज कर रहे हैं तो आपको करंट लगता है। अब बाज का ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है तो ये जो फ्यूज है ये उस करंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, सम केसेस के अंदर फ्यूज करंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी होते हैं इसके अंदर, या किसी भी तरह से हम ये मान लेते हैं कि फ्यूज जो है वो करंट की एक सर्टेन अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है तो उससे फिर आपको नुकसान हो सकता है। आप उससे कैसे बचेंगे, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो भी मेटल की बॉडी है, चाहे वो मशीन है, कोई भी ओवन है, वट एवर, जो भी डिवाइस है जिसकी मेटल बॉडी है, उसके साथ आप एक वायर कनेक्ट करें, वायर कनेक्ट करने के बाद उसको ग्राउंड कर दें। तो जब आप वायर को ग्राउंड कर देंगे उससे क्या बेनिफिट होगा आपको, जब कभी काम करते हुए लाइव वायर इसकी मेटल की बॉडी से अटैच हो जाएगी, उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो आपको नुकसान हो सकता था, लेकिन जब आपने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो आपकी बॉडी से होके ग्राउंड में जाएगा, एक इस वायर से होके ग्राउंड में जाएगा। तो याद रखें, करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ को फ्लो करता है, फॉलो करता है जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस हो। तो क्योंकि हमने एक कनेक्टर वायर लगा के इसको सीधा ग्राउंड कर दिया, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो सारे का सारा करंट आपकी बॉडी से पास करने की बजाय यहां से फ्लो करके ग्राउंड हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी सेफ रहती है। जब आप ये वायर कनेक्ट नहीं करते तो फिर वो करंट आपकी बॉडी से फ्लो करके आता है, तो इस तरह आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, डेथ हो सकती है। तो वायर लगाने से क्या होता है, उसको एक सेफ पाथ मिल जाता है, वो आपकी बॉडी से गुजरने की बजाय इस वायर से गुजरता है, क्योंकि आपकी बॉडी की फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, लेकिन इस वायर की रेजिस्टेंस उससे भी कम होती है, तो करंट इससे फ्लो करता होगा, ग्राउंड हो जाएगा, आप सेफ रहेंगे। ओके, तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट होती है वो यहां से ग्राउंड हो जाती है। अब इससे होता क्या है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करता हुआ इधर जाएगा तो फिर आपका जो फ्यूज है वो ब्रेक हो जाएगा। पहले नहीं हो पा रहा था ब्रेक, क्यों, उसकी रीजन ये है कि ये एक थोड़ी सी करंट में इंक्रीज आती है, उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसलिए करंट फ्लो करता रहा, ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, आपको करंट लग सकता था, लेकिन जब आप अर्थ कर दिया तो आप अर्थ करने से क्या हुआ, जो यहां से करंट आया था सारे का सारा ग्राउंड हो गया और स्पीड के साथ करंट फ्लो करके जाएगा, क्यों, रेजिस्टेंस ही बहुत थोड़ी है, वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट ज्यादा से ज्यादा यहां से फ्लो करके यहां चला जाएगा, तो ज्यादा करंट जब फ्यूज से फ्लो करेगा तो फिर ये फ्यूज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा और आप सेफ रहेंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, जब कभी ये जो वायर है लाइव वायर इसके साथ टच हो जाती है, इसकी मेटल की बॉडी के साथ, या कोई भी डिवाइस जो आप घर में यूज कर रहे हैं जिसकी मेटल बॉडी है उसके साथ टच हो जाती है, तो फिर आपको करंट लगने का खतरा होता है। तो ये डिवाइस को जब करंट लगेगा तो वो आपकी बॉडी से फ्लो करता हुआ ग्राउंड जाता है, तो आपको नुकसान पहुंचाता है,
आपने क्या करना है, इसकी बॉडी के साथ एक वायर कनेक्ट कर देनी है और उसको ग्राउंड कर देना है। जब आप ग्राउंड कर देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगा वो आपकी बॉडी से गुजरने की बजाय यहां से गुजर के ग्राउंड हो जाएगा, आपकी बॉडी सेफ रहेगी, क्योंकि बॉडी की फिर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, इस वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो कम होने की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करके इसमें जाएगा। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से ड्रॉप होगा तो फिर फ्यूज को भी पता चल जाएगा भाई अब ज्यादा करंट जो है वो पास हो चुका है, मुझे इसको ब्रेक करना है सर्किट को, वो मेल्ट हो जाता है वायर जो इसके अंदर लगी होती है, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है और आप सेफ रहते हैं। इस तरह से हम अर्थ वायर का यूज जो है वो करते हैं।